अरे घर छोड़ के जाओ तो सही तुम, तब तुम्हें समझ में आएगा कि बिना किसी सहारे बिना किसी साथी के बाहर की दुनिया में रहना कितना मुश्किल होता है। सिर्फ तुम्हारी स्कॉलरशिप और तुम्हारे आबा के पैसे से तुम जिंदगी नहीं चला सकती हो सही, घर वालों का घर के बड़ों का आशीर्वाद होना फैमिली का साथ होना बहुत जरूरी है। फोकस, ध्यान लगा सही, ध्यान लगा, कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ पढ़ाई करनी है, कुछ नहीं सोचना है, किसी के बारे में नहीं सोचना। देवी ताई, सही डर गई, सही डर गई, सही डर गई। सब उठ जाएंगे तो आपको डांट पड़ेगी। सही डर गई, सही डर गई, गई सही। शैतान है ना? आप इतनी देर रात यहाँ क्या कर रही हो? सही, मैं ना तुझसे मिलने तेरे कमरे में गई थी, फिर वहाँ पे है ना वीरू के साथ वो गंदी पत्रलेखा बैठी हुई थी और दोनों पता नहीं एक दूसरे से क्या चुप बातें कर रहे थे, इसलिए फिर मैं तुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गई। सही, वो पत्रलेखा तुझे परेशान कर रही थी क्या? और इसलिए तू यहाँ पे अकेले आ गई? I'm sorry, मैं तुम्हारे पर्सनल मैटर में बोल रही हूँ, लेकिन जिस तरह से सही तुम्हारी और हमारे परिवार की बेइज्जती करती है, मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम पर क्या बीतती होगी। सही सही, तू बोल मुझे, मैं अभी जाके वो दाई। आपको अगर पाखी दीदी और विराट सर के बारे में बात करनी है तो मुझे नहीं सुनना। नहीं ना, मुझे तो तुझसे कुछ बात करना है। अच्छा, मुझसे कुछ बात करना है तो आइए मेरी प्यारी प्यारी ताई बैठो, बताओ आप मुझसे क्या बात करनी है। सही, तूने बोला था ना कि मैं ठीक हो जाऊंगी, तो मुझे तुझसे वो बात करना था। हाँ, लेकिन इतनी रात को, आप तो जल्दी सो जाती है ना फिर आज? आज मैंने दवाई नहीं खाई ना, इसीलिए। मतलब वो आज मुझे अश्विनी काकू ने जेवन कराया था ना, तो फिर मैं उसके बाद छुप गई और मैंने दवाई नहीं खाई, क्योंकि मैं वो दवाई खाती हूँ ना तो मुझे बहुत नींद आने लगती। कौन सी दवाई ताई? वो मुझे नहीं मालूम। हाँ, आई मुझे एक डॉक्टर के पास लेकर जाती है और वो डॉक्टर है ना मुझे एक दवाई देते हैं, और जब मैं वो दवाई खाती हूँ ना तो उससे मुझे बहुत नींद आती है, और जब मैं सुबह उठती हूँ ना तो मेरा सर भी बहुत दुखता है। सही, तुझे सच में लगता है कि मैं ठीक हो सकती हूँ? हाँ ताई, अगर हम आपको अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे ना तो हो सकता है आप ठीक हो जाओ। शिवानी वो बिल्कुल सही कहती है, सही सबसे अच्छी, सही सबसे अच्छी, वरना सब जाग जाएंगे। सही, मुझे पता है तू है ना बहुत अच्छी डॉक्टर बनेगी। थैंक यू ताई, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी है ना, तो अभी मैं पढ़ाई करूं? नहीं, अभी ना तू मुझसे बात कर, मुझसे कोई भी बात नहीं करता। अच्छा अच्छा, सॉरी, ठीक है बात करते हैं, आपको जितनी बात करनी है उतनी बात करेंगे। इंताई, मेरा ना कल टेस्ट है और अगर मैंने पढ़ाई नहीं की तो मैं फेल हो जाऊंगी, फेल हो जाऊंगी तो मुझे कॉलेज से निकाल देंगे, कॉलेज से निकाल देंगे तो मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊंगी ना। नहीं 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 नहीं, तू
तू फेल मत होना हाँ, तू खूब अच्छे से पढ़ाई करना और डॉक्टर बनना और फिर तू मुझे ठीक करना, ओके? ओके। एक बात पूछूं? हाँ? मैं तुझे सच्ची में अच्छी लगती हूँ ना? आपको क्या लगता है? निनाद काका बोलते हैं, देवी जब सवाल पूछा जाए जवाब देना चाहिए, उल्टा सवाल नहीं पूछना चाहिए। सही, ये सब लोग है ना मुझे पहले इतना नहीं डांटते थे, लेकिन जब से मेरी शादी हुई ना उसके बाद से पता नहीं क्यों सब लोग मेरे पीछे ही पड़ गए। क्या ताई आपकी शादी हो चुकी है? हाँ, लेकिन आप शादीशुदा तो नहीं लगते और आप तो मंगलसूत्र भी नहीं पहनते। अरे वो मेरी गंदी आई है ना, उसने मेरा मंगलसूत्र छीन लिया था। पता है सही, जब मैं शादी के बाद तैयार होके आई थी ना तो मैं एकदम तेरे जैसे सुंदर लगती थी, और है ना मेरा पति है ना उसको भी तेरे जैसे बहुत बड़ा डॉक्टर बनना था, और है ना सही तुझे क्या लगता है मेरा पति अभी डॉक्टर बन गया होगा क्या? ताई कौन है आपके पति, क्या नाम है उनका? नहीं 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 नहीं, अगर 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 उसका नाम लूंगी ना तो उसको चोट पहुंचेगी। नहीं 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 ताई, ताई कौन पहुंचाएगा उनको चोट? कहाँ है आपके पति? मुझे मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि मेरा पति और मेरा छोटा बेबी कहाँ है। बेबी? ताई आपका बच्चा भी है? मुझे मुझे नहीं पता, मेरा मेरा बच्चा, मेरा बच्चा हाँ शायद है, शायद शायद है, पता नहीं, मुझे मुझे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा है, मुझे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा है, मुझे नहीं पता मैं अपने पति से कभी मिल भी पाऊंगी कि नहीं। देवी ताई जो बोल रही है वो सच है या सिर्फ उनका फहम? ताई 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 मिरर देख, रोनी मिरर देख, मिरर बैठी बैठी ताई प्लीज रोइए मत, पापा सब ठीक कर देंगे, एक दिन आप ठीक भी हो जाओगी और अपने पति से भी मिलोगी। तू झूठ बोल रही है ना? नहीं ताई मैं झूठ नहीं बोलती, मैं बप्पा से प्रार्थना करूंगी कि मेरे घर छोड़ के जाने से पहले वो आपकी खुशियां वापस ले आए। सच्ची तू मेरे लिए प्रार्थना करेगी? हाँ ताई मैं जाने से पहले आपको खुश देखना चाहती हूँ। तू घर छोड़ के जाने की बात मत कर, वीरू है ना वीरू बहुत अच्छा है, अगर तू अपने पति से अलग हुई ना तो तू भी मेरे जैसे पागल हो जाएगी। सही? नहीं ताई ऐसा कुछ नहीं होगा, और मैं विराट सर के बिना रह सकती हूँ, मुझे तो ये घर एक दिन छोड़ के जाना ही है। कट्टी मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। अरे देवी ताई बात तो सुनिए, रुकिए। उषा मौसी मुझे जल्दी नाश्ता दे दो, मैं कॉलेज के लिए बहुत लेट हो रही हूँ। ओहो सही, जब तुझे पता है कि तुझे सुबह सुबह कॉलेज जाना है तो तू जल्दी तैयार क्यों नहीं होती? अरे मैंने आपको कहा था ना मेरा टेस्ट है, उसी के लिए रात भर पढ़ाई कर रही थी। काकू सॉरी मुझे आज नीचे आने में देरी हो गई, मैं ना आज रसोई का काम भी नहीं कर पाऊंगी, मैं कल से ना पक्का काम कर ही कॉलेज जाऊंगी। मस्त मस्त, काम के वक्त सोते रहो और फिर घोड़े पर सवार होकर आओ। मौशी मुझे नाश्ता दो, मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। काकू मैं आज काम नहीं कर सकती, कल करूंगी। तुझे कितनी बार बोलना पड़ेगा कि घर का काम खत्म करके ही तू कॉलेज जा सकती है? काकू वो मैं रात भर पढ़ाई कर रही थी ना इसलिए सुबह मेरी आंख ही नहीं खुली, सॉरी। अगर आप मुझे आवाज देती थी ना तो मैं ऐसे आ जाती। लो अब रानी साहिबा को नींद में से उठाना पड़ेगा, आमंत्रण देना पड़ेगा कि आइए घर का काम कीजिए। हाँ तो खुद को समझती क्या है? हाँ
जब तू घर की बहू होने की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती तो डॉक्टर होने की जिम्मेदारी क्या उठाएगी तू? ये ले, चल आजा बैठ। समझ नहीं आ रहा मौसी, नाश्ता खा के पेट भरो ये सबके ताने? तो ऐसा काम करती क्यों हो कि ताने सुनने पड़े? ये तो गलत है ना काकू, पत्र लेखा भाभी और मैं घर का पूरा काम करते हैं। और सही भाभी? रहने दो करिश्मा, तुम सही को कुछ मत बोलो। ये बस कुछ ही दिनों में डॉक्टर बन जाएगी, पैसे कमाने लगेगी, हमारा क्या है, हम तो इसी घर का चूल्हा चौका संभालते रहेंगे। पत्रलेखा, तुम्हारे दिन की शुरुआत सई को ताने मारे बिना होती नहीं है क्या? आज एक दिन सई रसोई में नहीं गई, उसने रसोई का काम नहीं किया, बस तो कौन सा बड़ा पहाड़ टूट पड़ा? घर में और भी तो लोग हैं ना काम करने के लिए। जब पहरेदार ही चोर को चाबी दे दे तो चोरी होने के बाद शोर क्या मचाना? सास का काम होता है बहू को सही रास्ता दिखाना, लेकिन यहाँ तो सास ही अपनी बहू की हिम्मत बढ़ा रही है कि घर के नियमों के खिलाफ जाए। अब तो अपने पति के पास जाएगी ना और उसे हमारी शिकायत करेगी? कर ले, बिंदास कर ले। मुझे अपनी लड़ाई लड़ने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं होती। मैं अपनी लड़ाई लड़ भी सकती हूँ और उसे जीत भी सकती हूँ। सही, बड़ों से बहस नहीं करते, चल तू फटाफट खा ले और कॉलेज जा। वाह, ये लड़की तो सिर्फ शरीर से बड़ी हुई है, दिमाग और हरकतों से बिल्कुल बच्ची। अभी भी खाना खिलाना पड़ रहा है इसको। वैसे काकू, एक बात समझ नहीं आती, सही भाभी देर से नीचे आती, ये तो घर का कोई काम भी नहीं करती है, और अब तो ने खाना भी किसी और के हाथ से खाना है, इतना आराम। और फिर भी अगर गलती से इन्हें कोई कुछ बोल दे तो ये उल्टा उसी को सुनाना शुरू कर देती है, बदतमीजी करती है। और काकू, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सबसे ज्यादा बदतमीजी बेचारी पत्रलेखा भाभी से ही करती है। करिश्मा, जिसे बदतमीजी के सिवा कुछ आता ही नहीं है, उसे तुम क्या उम्मीद लगा रही हो? वाह करिश्मा, जब मैं इस घर में आई थी तब तुम ही ने मुझे कहा था कि मैं पाकी दीदी से बच के रहूं। तुम ही ने मुझे पाखी दीदी और विराट सर की दोस्ती के बारे में आगाह किया था। और अब तुम ही पाखी दीदी की हिमायती बन रही हो। दाड़ो सब तुम। नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। बेचारी पत्रलेखा भाभी तो बहुत सीधी है। तुम ना डिसाइड कर लो, तुम हो किसकी तरफ, इनकी या मेरी? करिश्मा, क्या है ये? क्यों सई के खिलाफ खिचड़ी पका रही हो? जो भी है सोच समझ कर बोला करो, वरना तो अपना मुंह बंद रखो। सबके मुंह बंद करवाने से अच्छा है तुम अपनी बहू की हरकतें बंद करवाओ ना। आज मैंने फैसला ले लिया है कि जब तक सई घर का काम खत्म नहीं करेगी, कॉलेज नहीं जाएगी। और अगर इसे मेरा फैसला मंजूर नहीं है तो ये गढ़चिरौली वापस जा सकती है। काकू प्लीज, मैं डेस्क की वजह से वैसे ही परेशान हूं, आप प्लीज मुझे और परेशान मत कीजिए। सही बेटा, कुछ खा ले, खाली पेट नहीं जाते। मैं तो इस बड़ी मामी, आप क्यों इसके मुंह लग रही हैं? जब आपको पता है इसे बदतमीजी और बेइज्जती करने के अलावा कुछ आता ही नहीं है, तो फिर आप अपना मूड रोज क्यों खराब करती हैं इसके पीछे?
मेरे हाथ से नहीं, कम से कम खुद के हाथ से तो खा ले, ले खा ले, खा ले मेरी बच्ची। प्लेट छोड़िए काकू, पहले रसोई में जाकर काम कर। प्लेट छोड़िए काकू, मैंने कहा ना पहले काम कर। प्लेट छोड़िए काकू, मुझे कॉलेज जाना है। अरे दिया काकू। बहनी आप ही हमेशा कहती है ना अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए, तो फिर आप ही ने अन्न का अनादर अपमान क्यों किया? सही बेचारी कॉलेज जा रही थी, दिन भर भूखी रहेगी, कुछ भी नहीं खाएगी। और आपने उसी की थाली छीनकर अन्न फेंक दिया, ये ठीक है क्या? ये सब क्या हो रहा है? देखो तो बहनी ने सही के हाथ से थाली छीनकर उसका खाना गिरा दिया। आप ये क्या कह रही हैं अश्विनी मामी? बड़ी मामी ने ना तो कभी अन्न का निरादर किया है और ना ही किसी के मुंह से निवाला छीना है। विराट, अन्ना सा अपमान भी करें, तुझे ऐसे लगता है? मेरे हाथ में प्लेट थी, उसमें खाना था, प्लेट हाथ से फिसल गई, खाना गिर गया। हाँ, मैंने सही के हाथ से प्लेट छीनी जरूर, लेकिन वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो बच्चों की तरह पूजा के हाथ से खाना खाए। झूठ! काकू, कभी कभी जो चीजें हमें अच्छी नहीं लगती उसे वैसे ही छोड़ देना चाहिए। अब दुनिया में हर चीज हमारे हिसाब से हो ये मुमकिन तो नहीं है ना? आई, सही के लिए दूसरी प्लेट में खाना निकाली। रहने दीजिए आई, यहाँ पे सबकी बातें सुनकर पेट भर गया मेरा, अब मुझे कुछ नहीं खाना। सही, जिद मत करो सही, कॉलेज में पूरा दिन तुम खाली पेट कैसे रहोगी? सही तो कभी माफी मांगेगी नहीं, मैं तुझसे माफी मांग लेती हूँ। हाँ, सही की प्लेट मैंने छीनी वो सिर्फ इसलिए कि तेरी बीवी थोड़ी सी बड़ी हो जाए, अपने हाथ से खाना खाए, बच्चों की तरह बड़ों के हाथ से नहीं। काकू, मैं इतना भी बड़ा नहीं हुआ हूं कि आप मुझसे माफी मांगेंगी, और ना ही मैं इतना बड़ा होऊंगा। हाँ, लेकिन काकू, आपको इस तरह से सही के हाथ से खाने की प्लेट नहीं छीननी चाहिए थी। सही, कुछ खा ले बेटा, चल खा ले कुछ। हाँ सही, खा ले बेटा। देख, वो एग्जाम के लिए जा रही है ना, तो अगर ठीक से खाएगी नहीं ना तो तेरा मन नहीं लगेगा एग्जाम में। थोड़ा ही सही, खा लो। लेकिन रहने दीजिए, मुझे देरी हो रही है। बड़ी मामी, थोड़ा सा खा ले। मुझे लगता है हम सबको भी सही से माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि अब कुछ पता नहीं जिस तरह से विराट ने आपको सुनाया है, क्या पता ये हमें भी ऐसे सुनाने लगे।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।